विराट कोहली की शानदार शतकीय पारी इतनी ज्यादा खतरनाक रही कि साथ में बल्लेबाजी कर रहे फाफ डुप्लेसिस के भी होश उड़ गए। कोहली ने अपनी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी के सामने डुप्लेसिस को भी छोटा साबित कर दिया। तो वही शानदार शतकीय पारी खेलकर उन्होंने अपनी टीम को न सिर्फ विजेता बनाया बल्कि आरसीबी के खिलाड़ियों ने भी उनका अलग ही अंदाज में इस्तकबाल किया। वही मैच के बाद फाफ डुप्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल ने कोहली पर दिल खोलते हुए ऐसी बात कह दी है जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ कहा मैक्सवेल और फाफ ने। दोनों के बीच हैदराबाद के स्टेडियम पर यह मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प रहा। पहले बल्लेबाजी के लिए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम उतरी थी, शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन मोर्चे को संभाल लिया क्लासन और मार्करम की जोड़ी ने। क्लासन शुरुआत से ही काफी ज्यादा उग्र नजर आ रहे थे, किसी भी गेंदबाज का उनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। एडन मार्करम ने उनका साथ जरूर दिया लेकिन पारी धीमी रही। क्लासन इस मुकाबले में शानदार शतकीय पारी खेल गई, 51 गेंदों में 104 रनों की पारी उन्होंने खेल डाली। तो वहीं हैरी ब्रूक ने 19 गेंदों में 27 रन बनाए और टीम 20 ओवर में 186 रन तक पहुंच गई। लक्ष्य को पीछे करने उतरी विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस इस मुकाबले में अलग ही मंशा के साथ मैदान पर उतरे थे। दोनों ने इतनी खतरनाक बल्लेबाजी पहली गेंद से ही करी, 5 ओवर में ही लगभग 60 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। यहां से कॉन्फिडेंस गेंदबाजों का टूटता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन विराट और डुप्लेसिस ताश के पत्तों की तरह गेंदबाजों को बिखेर कर रख दे रहे थे। किसी भी गेंदबाज का दोनों की बल्लेबाजी पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। मैदान में सिर्फ और सिर्फ आरसीबी का परचम लहरा रहा था। बता दें कि अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवर में ही दोनों ने टीम का स्कोर 108 रन पहुंचा दिया था। दोनों ही बल्लेबाजों ने 35-35 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। हालांकि मुकाबला रोमांचक मोड़ पर था, अंतिम 46 गेंदों में 79 रनों की जरूरत थी। लेकिन आपको बता दें उसके बाद विराट कोहली के अंदर तो मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे धोनी की आत्मा आ गई हो। किसी भी गेंदबाज को बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं थे। उन्होंने याद रखी भुवनेश्वर कुमार जैसे अनुभवी गेंदबाज का भी घमंड पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। यह पारी का 15वां ओवर था जब विराट कोहली ने भुवनेश्वर कुमार के ओवर में 4 चौके ठोककर लगभग अपनी टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा ही दिया था। सिर्फ 54 गेंदों में 84 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और यहां से 27 गेंदों में सिर्फ 34 रन जीत के लिए चाहिए थे। तो डुप्लेसिस भी 64 रन पर थे। दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहद आसानी से बल्लेबाजी करी और बता दें विराट के शतक के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम 2 विकेट खोकर आसानी से इस मुकाबले को जीत गई। मैच जीतने के बाद विराट कोहली की बल्लेबाजी को देखने के बाद डुप्लेसिस का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपनी टीम का विजेता असल मायने में विराट कोहली को ही बताया। उन्होंने कहा विराट ने आज जिस तरह की बल्लेबाजी करी ऐसा लगता है कि उनके अंदर आज भी बहुत क्रिकेट बाकी है। खिलाड़ी के जीवन में उतार चढ़ाव चलता रहता है लेकिन आज की बल्लेबाजी देखकर मैं बात दावे से कह सकता हूं कि विराट कोहली अभी 5-7 साल और क्रिकेट आसानी से खेल सकते हैं। वे पहले भी किंग थे और आज भी किंग हैं। उनकी बल्लेबाजी आज वाकई में कमाल रही। जिस तरह से चौके छक्कों की बरसात कर रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था मानो धोनी क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे हो। वहीं ग्लेन मैक्सवेल भी इस बीच अपनी बात कहने से पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कोहली की बल्लेबाजी आज काफी ज्यादा दिलचस्प रही है। जिस तरह से छक्के लगा रहे थे ऐसा लग रहा था कि मानो फाफ भी उनके सामने छोटे नजर आ रहे थे। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के चलते ही हमारी टीम इस मुकाबले को जीत पाई है क्योंकि लक्ष्य बड़ा था और शुरुआत अच्छी मिलना काफी जरूरी थी। विराट ने शानदार बल्लेबाजी कर सारा दबाव एसआरएच के गेंदबाजों पर डाल दिया और ये कारण रहा कि हमारी टीम एक पहाड़ समान स्कोर को भी आसानी से चेस करने में कामयाब रही। इस तरह से ग्लेन मैक्सवेल ने विराट कोहली की बल्लेबाजी पर तारीफ में कसीदे पड़े हैं। वैसे आप सभी को कोहली की बल्लेबाजी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल क्रिकेट।